Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So, summers are in और मैं गर्मियों का बेसब्री से इंतजार करती हूँ as it's mango season. मुझे मैंगोज खाना बेहद पसंद है. सो आज इसीलिए मैं जा रही हूँ मैंगो शॉपिंग पे और मैं करने वाली हूँ बहुत ही अलग अलग तरीके के मैंगोज की शॉपिंग. वैसे तो आप जानते ही हो कि यहाँ मेरे गार्डन में लगा हुआ है ये मैंगो ट्री और ये देख रहे हो अब इसमें बचे हैं ये सिर्फ 3 मैंगो. एक टाइम था कि इस पेड़ पे मैंगोज लदे हुए थे बट गाइस यहाँ बंदर इतने ज़्यादा आते हैं ना सारे के सारे मैंगोस खा गए. तो मैं जा रही हूँ मैंगो शॉपिंग के लिए. कम ऑन लेट्स गो. सो आई एम आउट आफ्टर 10 डेज एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. भाई बाहर जाके घूमने में मज़ा बहुत आता है एंड वैसे यहाँ जयपुर में सिचुएशन काफ़ी ना इम्प्रूव हो गई है एंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं. एक टाइम था जब हर महीने मैं कम से कम 10 दिन के लिए आउटडोर शूट पे जाया करती थी अपने दूसरे चैनल के लिए जहाँ पे मैं स्ट्रीट फूड वीडियोस बनाया करती हूँ. बट अभी ये सब बिल्कुल बंद है और आप लोग मेरे फूड चैलेंज वीडियो को भी काफ़ी प्यार दे रहे हो. सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड व्हेन आई मूव आउट ऑफ माई हाउस. घूमने में बड़ा मज़ा आता है बट आई एम टेकिंग माई प्रिकॉशंस एज वेल. आपको ज़रूरी काम हो तो ही जाना वरना मत जाना. तो चलो भाई अब चल रहे हैं मैंगोज लेने. वैसे आप में से किस किस को मैंगोज खाना पसंद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो गाइस अब मैं अंदर आ गई हूँ फ्रूट मार्केट के. यहाँ पे बहुत तरीके तरीके के फ्रूट दिख रहे हैं और पुलिस का सायरन भी बज चुका है. इनको दुकानें बंद करने का टाइम हो चुका है. आई थिंक जल्दी मुझे करना पड़ेगा ये दुकानें सब बंद होने वाली हैं. अरे वाह ये तो बेल मिल रहे हैं. भैया ये क्या हिसाब दिया लंगड़ा? 60 रुपये 1 किलो दे दीजिए. सो लंगड़ा शॉपिंग इसको टाइट टाइट लीजिएगा ये बहुत जल्दी पक जाते हैं. ये लीजिए भैया 1 किलो हो गया. अब इसमें ज्यादा मत करो 1 किलो ही देना. 1 किलो ही दिया. ये देखो इन्होंने 70 ग्राम एक्स्ट्रा कर दिया. तो गाय जब आप ये लंगड़ा खरीदिए तो इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पानी में छोड़ दीजिएगा. उसके बाद इसको फ्रिज में डाल दीजिएगा तो जो आम की गर्मी होती है ना वो निकल जाती है जिससे आपके पिंपल्स नहीं आते आप चाहे जितना आम खाएं. सो गाइज यहाँ पे मुझे दिख रही है ये कच्ची कच्ची केरिया. भैया मुझे बहुत पसंद है. चलिए इनके भाव पूछते. भैया ये कितने के हैं? 60 रुपये किलो. ये इनका अचार वचार बन जाएगा? चलिए तो इसको आप 1 किलो दे दीजिए. आई थिंक 1 किलो हो गई होंगी. ये हो गई होंगी 1 किलो. भैया हो गई? हो गई. केरी शॉपिंग डन. सो अभी तक हमने 2 मैंगो की वैरायटी खरीदी है. थैंक यू. चलिए अब आगे चलते हैं. तो गाइस यहाँ भैया के पास बहुत सारी वैरायटी है आम की. सो ये देखिए ये है लंगड़ा ये है दशहरी और ये जो है बहुत ही स्पेशल इसको बोलते हैं बादाम. ये कहाँ का है? हैदराबाद. ये हैदराबाद से आता है. क्या बात है. क्या भाव दिया भाई? बादाम है 100 रुपये किलो. मैंने आज तक ये बादाम वाला आम नहीं खाया तो चलिए आज ये वाला भी खा के देखते हैं. तो भैया हमको 1 किलो दे दीजिए. ये मीठे होते हैं भैया या खट्टे मीठे होते हैं? मीठे मीठे भाई. ये वाले मैंने नहीं खाया तो मुझे आइडिया नहीं. आम का पना जो कि समर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यार जयपुर में ना इतनी ज्यादा लू पड़ती है कि आम पना पीना इट्स लाइक अ कंपल्सरी थिंग फॉर मी. और इससे मैं बनाऊंगी आम का अचार भी. आम के अचार से याद आया अचार बनाने के लिए मसाला तो खरीद लें. तो चलिए चलते हैं मसाला लेने क्योंकि भाई घर पे ना आम के अचार का मसाला बनाना बहुत ही ज़्यादा टीडियस होता है. तो मैं पता है क्या करती हूँ मैं जाके रेडी मसाला खरीद लेती हूँ और फिर आम का अचार बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है. तो चलिए अब अचार का मसाला लेते हैं. सो गाइस मैं आ गई हूँ राजा पार्क और यहाँ से मैं लेने वाली हूँ अचार मसाला. आ गई हूँ श्रीनाथ अचार भंडार और यहाँ पे देखिए लगे हैं बहुत सारे मुरब्बे और अचार. सो भैया अचार मसाला मिल जाएगा? दिखा दीजिए कौन कौन सा है. तो गाइज यहाँ से मैंने ले लिया है अचार मसाला और ये बहुत ही बढ़िया है. कोई सा भी अचार बनाइए 1 किलो अचार के अंदर ये पूरा 1 पैकेट पड़ेगा. इसमें नमक भी मिला हुआ है. आपको सिर्फ डालना है तेल. तो भाई अचार मसाला डन. चलिए अब आगे चलते हैं.
सो चलते चलते मैं आपको बताती हूँ आम के अचार की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी जो आपके भी ना बहुत काम आ सकती है। सो आपको क्या करना है, ये लेना है आपको केरी और ये लेना है अचार मसाला। इसके बाद आप इन केरियों को खूब अच्छे से धो के पोच के छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिएगा और उसके बाद ये जो अचार मसाला है ना, ये पूरा पैकेट आप इन केरियों के ऊपर डाल दीजिएगा और खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक साफ बॉटल के अंदर इसको भर दीजिएगा और ढक्कन बंद कर दीजिएगा और फिर इसको कम से कम आपको 2 दिन तक धूप दिखानी है। 2 दिन के बाद आप इसमें डालिएगा ऑयल। अच्छा, ऑयल आपको कैसे डालना है, ऑयल को आप कीजिएगा पहले गर्म, उसके बाद उसको कर लीजिएगा ठंडा और ऑयल पूरा ऊपर बॉटल तक भर दीजिएगा ताकि जो केरियाँ है ना एकदम अच्छे से डूब जाए और फिर इसको वापस 2 दिन आपको धूप दिखानी है। तो 4 दिन के बाद आपका आम का अचार जो है रेडी हो जाएगा। सो क्यों है ना एकदम सिंपल अचार की रेसिपी, आप भी इस आम के अचार की रेसिपी को ट्राई करना और बताना मुझे कि कैसी बन के आई। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ स्टैचू सर्कल और यहाँ पे मैं पीने वाली हूँ मेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी। सो मेरी कोल्ड कॉफी बन के तैयार है और अब इसमें डाली जा रही है डॉलप ऑफ आइसक्रीम, इन गोज सम डिलिशियस चॉकलेट सॉस और अब इसको गार्निश किया जा रहा है चॉकलेट चिप्स के साथ। सो गाइस, आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। दिस इज रियली गुड। चलो भैया अब आइसक्रीम खाते हैं। ओहो, इतने सारे चॉकलेट चिप्स डाले इसमें। दिस इज सो 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 गुड। और गर्मी के मौसम में इसको खा के तो आहा, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो अब मैं करती हूँ इसको फिनिश और आपको मिलूंगी अगले फ्राइडे एक नए व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। रुका नहीं जा रहा है।